एकदम जैसे नहीं होता हॉट सीट पे बैठ रखा हूँ मैं, भयंकर ऐसा लग रहा है। सो हे गाइस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज मैं व्लॉग इतनी जल्दी इसलिए शुरू कर रहा हूँ, अभी ताऊ जी और आए हैं, उनको लेने आ रहा हूँ, तो कुछ काम से आए थे यहाँ, तो घर पे भी आ रहे थे तो लेने जा रहा हूँ, इसलिए दिन दहाड़े भयंकर निकलने की पूरी कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। और ऊपर से यहाँ आज टेम्परेचर पहुँच चुका है 43 तक, 42-43 दिखा रहा था इस टाइम, अभी दिन के 2 बज रहे हैं ना, तो लगा लो भयंकर इतना ही गर्मी है। और गाड़ी तो पूरा भक्का बनी हुई है क्योंकि बाहर खड़ी रहती है ना धूप में, तो बिल्कुल एकदम जैसे नहीं होता हॉट सीट पे बैठ रखा हूँ मैं, भयंकर ऐसा लग रहा है। तो चलते हैं, लेके आते हैं और फिर रेस्ट करेंगे भाई। मैं लंच ही कर रहा था, वो एकदम से कॉल आया क्योंकि आ रहे हैं, तो तब जाना पड़ा, वरना पहले इसको ठंडा करके रखता आधे घंटे पहले। और रोड भी बन रही है ना, तो छाया जहाँ पे आती है वहाँ पे मैं अभी पार्क नहीं कर सकता, तो इस वजह से धूप में ही खड़ी करनी पड़ती है। बाकी अंदर जगह है नहीं पार्किंग की, एक ही गाड़ी आ सकती है, तो वहाँ नई वाली गाड़ी है, तो चलते हैं लेके आते हैं। अच्छा क्या कर रही है, देख ना, मैं जानबूझ के रिकॉर्ड कर रहा था और ये ना लकड़ी खा रही है। ये लकड़ी, ये किसने खाई, किसने खाई, कुछ नहीं और नहीं मिला खाने को, तब से लकड़ी चबा रही भाई मेरे, यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, बोल रहे क्या चबा रही है भयंकर, ये देखना कैसे कर दी लकड़ी चबा के, भाई पागल है क्या तू, वैसे इतनी गर्मी हो रही है। अभी ताऊ जी और गए तेरा तू, तो बस सुन के जाने के बाद मैं बैठा था इसके साथ, और ये लकड़ी चबा रही है यहाँ पे देखना, है गंदी। हाँ प्यास लग गई होगी ना लकड़ी खा के, तो पीले पानी, एकदम अजीब कुत्ता है यार, सॉरी कुत्तिया। सो गाइस फाइनली अब जाके हुआ है, बाहर जा रहा है निकलने वाला मौसम, तो मैं थोड़ा जा रहा था मार्केट तक, एल्बम वगैरह लेनी थी और फोटो फ्रेम लेने थे क्लाइंट के, तो वही लेने जा रहा हूँ। और मैंने आशा को ही बोला क्योंकि वो भी काफ़ी दिनों से नहीं मिला मैं अभी, तो उसके एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे, तो उसने बोला मेरे को भी जाना है कुछ काम है, मैं वो चलने में जा ही रहा हूँ, तो इस बहाने मिल भी लेंगे, तो चलते हैं। तो गाइस फाइनली एल्बम का काम तो हो चुका है और ये आशा हो गए हैं अपना काम करने, तो मैं उनको वेट ही कर रहा हूँ, तो उसके बाद चलते हैं घर। सो गाइस व्लॉग वगैरह मैंने कुछ ज़्यादा बनाया नहीं इनके साथ, उनको छोड़ दिया मैंने, बहुत नखरे दिखाते हैं भाई ये लोग, तो कौन पालेगा सरदर्दी, तो चलते हैं घर। मतलब मैं घर पहुँच ही गया ऑलमोस्ट, तो फ्रेम का काम तो हो गया बट एल्बम का नहीं हो पाया, उन्होंने प्रिंट ही नहीं करी भाई, मैंने इतना देर रखा, बोल रहा कि मैं हम पे आया ही नहीं लिंक, बताओ इतना दूर जाना पड़ता है ना चक्कर लगाने, फिर दोबारा आना पड़ेगा फिर से। गाइस मैं घर आया और ये देखो ये कपड़ा लेके आ गया आज, शान शान से हो रखी है, क्या हो गया भाई, क्या हो गया हैं, क्या हो गया हैं, इतनी शान कैसे होगी तू, आज मैंने गेट खोला, गेट से बाहर भी नहीं भागी भाई, पता नहीं कैसा आ गया मैनर्स, है लू ना मैनर्स आ गए तेरे पे भाई, ये कपड़े पता नहीं क्या फेवरेट है इसके यार, खिलौना लाता हूँ खिलौना पता नहीं कहाँ फेंक देती है यार, तो कोई ला के फायदा नहीं है इसके, खिलौना इसने खेलना कपड़े से ही है, देखना कपड़े मुंह पे पकड़ने में मजा आता है इसको, क्या है ये, क्या है इसमें, ऐसा क्या है इसमें भाई, पता नहीं क्या ही मजा आता है इसको। सो अभी मैं लाया था लूना को बाहर, और टेम्परेचर ना अभी काफ़ी सही हो गया, अब मतलब बाहर आने लायक हो रहा है रात को, वरना दिन में तो तौबा तौबा हालत ख़राब। और ये ना इतनी शैतान हो गई है ना, अभी डॉग्स के पीछे भागने लग गई है भयंकर, और अभी डंडा ला रखा हूँ इतना बड़ा, तब जाके घर अंदर आई है, वरना अंदर आती नहीं है भाई, पता नहीं क्या होगी उसको, है तेरे को कहना नहीं लगता, सीधी गाड़ी के नीचे छुप जाती है कुछ भी बोलो तो। गाइस फाइनली करते हैं इस व्लॉग के एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और अभी पसीने छूट गए भाई इतने अंदर से बाहर आने में, क्योंकि कूलर के सामने से रखा ना, तो एकदम तब पानी की तरह पसीना बहता बॉडी से, तो करते हैं इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं ऐसे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।